सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। इतना ही हसीन मकान बना ले अच्छी तरह याद रखना, कोई गारंटी है कि उस मकान में हम रहेंगे भी, और रहेंगे तो कितने दिन तक रहेंगे आप मुझे बताएं। खूबसूरत से खूबसूरत मकान बनाने वाले, मकान अभी तैयार भी नहीं हुआ और उनका इंतकाल हो जाता है, या मकान तैयार हुआ अभी उसका इफ्तिताह ही हुआ था, अभी उसका इनॉग्रेशन ही हुआ था कि किसी बनाने वाले का, मेहनत करने वाले का इंतकाल हो जाता है। ये बार बार हमारे तजुर्बे में है। चले ठीक है, अगर कोई खुश नसीब उस मकान में रहे भी तो कितने दिन तक रहेगा। हमने एसी लगाई, हमने पंखे लगाए, हमने लाइट लगाई, सारी खूबसूरत चीज रखी, लेकिन आप मुझे बताएं कितने दिन रहोगे, इसकी गारंटी है। लेकिन आओ, एक मकान वो भी है जिसमें रहना यकीनी है और अल्लाह अकबर उसमें गारंटी भी है कि रहना कितने दिन तक के है। इन मकानात में रहने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो मकान जिसको कब्र कहते हैं उसमें कयामत तक मुझे भी रहना है और आपको भी रहना है। जिस मकान के अंदर रहना कितने दिन है इसकी कोई गुंजाइश और गारंटी नहीं है। उस मकान के लिए कितना एहतमाम किया, लेकिन जिस मकान के अंदर कयामत तक सोना है, जिस मकान में कयामत तक रहना है, उस मकान को खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी तज़यीनकारी के लिए, उसमें ठंडक के लिए, उसमें हवाओं के लिए, उसमें फिजाओं के लिए, उसमें नरम बिस्तरों के लिए हमने क्या इंतजाम किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मकानात के गद्दे कीमती पैसे खर्च करके खरीदे जा सकते हैं, मगर कब्र के गद्दे कीमती पैसे खर्च करके दुनिया के अंदर खरीदे नहीं जा सकते, बल्कि उसकी एक कंडीशन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह को राजी करना होगा, गुनाहों से बचना होगा। कब्र में भी गद्दे हैं, कब्र में भी गद्दे हैं। किसने कह दिया कि कब्र में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, बल्कि अल्लाह जिससे राजी हो जाता है, अल्लाह को जो मना लेते हैं उनके लिए दुनिया के नहीं बल्कि जन्नत का बिस्तर लगाया जाता है और इतनी खूबसूरत नींद सुलाया जाता है। फरिश्ते आकर कहते हैं नम कनौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। कब्र की नींद कोई आसान, दुनिया के गद्दों पे सो तो देर तक सोने वाले की कमर दर्द करने लगती है, मगर कब्र में जो जन्नत का बिस्तर है, अगर उस पर किसी खुश नसीब को सुला दिया जाए, अगर उस पर किसी खुश नसीब को सुला दिया जाए तो खुदा की इज्जत की कसम, जब वो सोएगा और कियामत के दिन उठेगा तो उसको ऐसा लगेगा जैसे मैं रात को सोया था और सुबह को मैं बेदार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है जन्नत के बिस्तर की बरकत। लेकिन दुनिया में हमने गद्दे तो लगाए, कब्र के लिए क्या इंतजाम किया, कब्र के लिए क्या तैयारी की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब हम कब्रस्तान जाते हैं तो कभी कब्रस्तान में हमारी नजर पड़ती है, ऐसा लगता है कितना सुकून है, कितना सन्नाटा है, कितने इत्मीनान से सब सो रहे हैं। लेकिन याद रखें, अपने पास वो निगाह नहीं, अपने पास वो नजर नहीं, अपने पास वो आंखें नहीं कि अल्लाह अल्लाह। ऊपर की मिट्टी तो पुरसुकून नजर आती है, लेकिन अंदर ये भी है, उसी दो गज जमीन में किसी की कब्र इतनी बड़ी कर दी गई है कि मशरिक से लेकर मगरिब तक का फासला हो गया है, ता हद्दे निगाह कब्र कुशादा हो गई है। कभी किसी की कब्र ऐसी भी होती है कि वो जन्नत के बागों में से बाग बन गई है, लेकिन अल्लाह अकबर, उसी पुरसुकून कब्रें जो ऊपर से पुरसुकून नजर आती है, उन्हीं कब्रों के अंदर किसी की बाग, किसी की कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनी है, और किसी की कब्र जो है जहन्नम के गड़ों में से एक गड़ा बन गई है। हाँ हाँ, वो सांपों का बसेरा, वो बिच्छुओं का बसेरा, वो फरिश्तों के हाथों में आग के हथौड़े, वो फरिश्तों के हाथों में आग के गुजे। मेरे प्यारे
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ दुनिया की रंगरेलियों में जिंदगी गुजारने वालों, कभी सोचा कि दो गज जमीन के अंदर हमें भी जाना है? पांच पांच एकड़ जमीन पे इतराने वालों, पचास पचास एकड़ जमीन पे इतराने वालों, सौ सौ जमीन, सौ सौ एकड़ जमीन को अपने नाम पे करने वालों, कभी सोचा भी कि मालदार भी मरेगा तो दो गज जमीन ही मिलेगी, गरीब भी मरेगा तो दो गज जमीन ही मिलेगी, अमीर भी मरेगा तो दो गज जमीन ही मिलेगी, फकीर भी मरेगा तो दो गज जमीन ही मिलेगी? आओ उस कब्र के लिए क्या तैयारी की है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों? कब्र आखिर कब्र है, कब्र आखिर कब्र है। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान ज़ुन्नूरैन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जब भी किसी कब्र पर जाते तो वहां पे खड़े होकर इतना रोते कि ऐसा लगता कि रोते रोते आपकी जान निकल जाएगी। ये कौन उस्मान गनी है? ये वो उस्मान गनी जिसे दो मर्तबा रसूलुल्लाह का दामाद बनने का शरफ हासिल हुआ है। ये कौन उस्मान गनी है जिसने अपनी जिंदगी में दो मर्तबा जन्नत को खरीदा है? और अल्लाह के रसूल ने इन उस्मान गनी के लिए कहा जंगे तबूक के मौके पर कि आज के बाद उस्मान कुछ भी करे, ये कुछ भी करे में नबी का इख्तियार देखें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुछ भी करे जो जी में आए करे, सरकार फरमाते ये जन्नत ही में जाएगा, कुछ भी करे जन्नत ही में जाएगा। जिसको अल्लाह के रसूल ने ये गारंटी दी हो कि उस्मान कुछ भी करे जन्नत ही में जाएगा, वो उस्मान गनी जब कब्रों पर खड़े होते थे तो इतना रोते थे ऐसा लगता था जैसे आपकी जान ना निकल जाए। लोग कहते थे अमीरुल मोमिनीन आप कयामत का जिक्र सुनकर उतना नहीं रोते जितना आप कब्रों को देख करके रोते हैं। तो माने गनी फरमाते हैं कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर इंसान का मामला यहाँ दुरुस्त रहा तो आगे के सारे मामला दुरुस्त रहेंगे, और इंसान यहीं पर नाकाम हो गया तो आखिरत में नाकामी ही नाकामी का मुंह देखना होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आइए अब थोड़ी देर ज़रा कब्र की सैर करते हैं। आपने बागों की सैर तो की होगी, आपने शहरों की सैर तो की होगी, आओ ज़रा तसव्वुर की दुनिया में हम थोड़ा कब्रों की सैर कर लेते हैं। ये कब्रें क्या है? अल्लाह अल्लाह, ये कब्रें वो हैं जहां रिश्तेदारियां नहीं देखी जाती, जहां इंसान के चेहरे नहीं देखे जाते, जहाँ इंसान की खूबसूरतियाँ नहीं देखी जाती, जहाँ इंसान के हुस्न नहीं देखे जाते। अल्लाह अकबर, कब्र में तो छोटी छोटी बातों पर भी अजाब दिया जाता है। बेशुमार ऐसी कब्रों का जिक्र अहादीस में मिलता है, किसी कब्र पर कब्र वाले पर सिर्फ इसलिए अजाब हो रहा था कि वो पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। थोड़ी तवज्जो करना, थोड़ा गौर करना, रातों को जिना के अड्डों की तरफ कदम बढ़ाने से पहले, नरम गद्दों पर लेटकर जिना के मनाजिर देखने से पहले, कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनने से पहले, किसी औरत पर बदनजरी करने से पहले थोड़ा तसव्वुर कर लेना आखिर कब्र है, आखिर कब्र है। इंसान कितनी ही तदबीर कर ले आखिर कब्र है। और ये कब्र क्या है? कब्र कैसे कैसों को दबाती है, कैसे कैसों, मैं और आप तो कोई शुमार ही नहीं, अपनी तो कोई हैसियत ही नहीं। मैं थोड़ी सी एक हदीस पर आप सब की तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी मशहूर हदीस है, सिहा में मौजूद है, उस पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। और आपने उसको किसी दूसरे बाब के अंदर सुना है, मैं उसको किसी दूसरे बाब में जिक्र करना चाहता हूं। और आप सब की तवज्जो, हम सोचते हैं अल्लाह करीम है यार कब्र में क्या होगा, बल्कि हम तो शेर पढ़ते हैं ना, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, मैं भी पढ़ता हूं आप भी पढ़ते हैं, लेकिन याद रखना ये शेर पढ़ने के हक उनको थे जिनकी तहज्जुद भी फौत नहीं होती थी, ये शेर पढ़ने के हक उनको थे जिन्होंने जाने तो दे दी मगर सुन्नतों के खिलाफ अमल नहीं किया।
ये शेर पढ़ने के हक उनको थे, अल्लाह अकबर, जिनकी निगाहें कभी नहीं उठी। जानते हैं जिस इमाम ने ये शेर कहा ना, तकब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। उस इमाम के तकवे का हाल ये था कि खुद के शहर का बाग उन्होंने सारी जिंदगी नहीं देखा। एक मर्तबा जबलपुर से वापस होते हुए अपने घर जा रहे थे, स्टेशन पर उतर कर घर जा रहे थे, तो अचानक नजर पड़ गई तो मौलाना ईदुल इस्लाम अब्दुल सलाम से खत में जिक्र करते हैं, चलते चलते बरेली के बाग पे नजर पड़ गई। जिसने कभी बाग को भी कसदन नहीं देखा, उनको हक था ये शेर पढ़ने का। जो हीरो हीरोइन को नंगा नाचते देखे, उन्हें क्या हक है ये शेर पढ़ने। आप मुझे बताएं, आज अपने आमाल पर नजर करें, अपने आमाल पर नजर करें और उसके बाद फिर अपनी बड़ी बड़ी बातों को देखें। आज मेरा जवान अल्लाह वालों से सुनी हुई बातों को अपनी जबान से दोहराता, यार हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, जन्नत तो अपने बाप की है। ऐसा लगता है जैसे बाप से खरीदवा करके बुक करा रखा है। जिसको ये हक था कि जन्नत मेरे बाप के कहने का, वो सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमतु ज़हरा अपने मुसल्ले पर रोया करती थी अल्लाह की खशियत से। और यहाँ कुछ भी जिंदगी में नहीं, ना अल्लाह के लिए रोना, ना अल्लाह के लिए अमल करना। मस्जिदें वीरान कर दी, हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। माँ बाप को दुख दे रहे, हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। सूद के लुकमे खा रहे, हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। वो सूद जिसके मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा जिना किया। एक लुकमा सूद का, घुमा फिरा कर सूद के धंधे चल रहे हैं। मौलाना को कन्विंस किया जाता है, नहीं मौलाना इसका रास्ता ऐसा नहीं, ऐसा है। कुदरत ने जिन रास्तों को बंद कर दिया है, दुनिया का कोई इंसान अब उस रास्ते को खोल नहीं सकता, और जो खोलने की कोशिश करे वो सिराते मुस्तकीम पर रह नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है, जो सूद का कारोबार करेगा मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। सूद के धंधे करने वालों, मोहल्ले के पहलवान से लड़ने की औकात नहीं है, अल्लाह ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान किया है जो सूदी कारोबार करते हैं। बताओ अल्लाह जिससे जंग का ऐलान करे, कोई अल्लाह से मुकाबला करने की ताकत रखता है? कोई अल्लाह से माज़ अल्लाह मुकाबला करने की हिम्मत कर सकता है? वल्ला तल्ला बिल्ला कभी नहीं। अल्लाह के मुकाबले पर कोई क्या है, किसी की औकात क्या? किसी ने खुदा होने का दावा किया, अल्लाह ने लंगड़े मच्छर से उसको हलाक कर दिया। नहीं देखते फिरौन का अंजाम कि उसको अल्लाह ने दरिया में गर्क कर दिया? नहीं देखते वक्त नस्र का अंजाम कि अल्लाह अकबर कुदरत ने उसे कैसे हलाक किया? नहीं देखते शद्दाद का अंजाम कि अल्लाह अकबर खुद की बनाई हुई जन्नत में कदम न रख सका? इसलिए कुदरत को चैलेंज मत करो, दुनिया चंद दिन की है, इस चंद दिन की दुनिया के चक्कर में अल्लाह को नाराज मत करो। हलाल कमाने वाले अपना माल कब्र में नहीं ले गए, हराम कमा कर हम क्या अपना माल कब्र में ले जाएंगे? झूठ बोलकर कारोबार मत करो, मत करो धोखा देकर कारोबार, सब दुनिया में रहेगा। बाल बच्चे हौज मौज करेंगे, वारिसीन मौज मस्ती करेंगे। अब तो लोग इतने बेवफा हैं, मुर्दा बाप की कब्र पर जवान बेटा फातिहा पढ़ने भी नहीं आता। अरे कब्र पर आकर फातिहा पढ़ना तो दूर की बात है, बेटा तो बाप के लिए मगफिरत की दुआ भी नहीं करता। अब तो लोग फातिहा के लिए भी तरस रहे हैं, लोग दूसरों का भला चाह रहे हैं। कोई कहता है इंसान खुद गर्ज हो गया, मैं कहता अल्लाह करे इंसान खुद गर्ज हो जाए। अगर इंसान खुद गर्ज हो जाता तो कम से कम बच्चों के लिए हराम दौलत कमा करके अपनी आखिरत खराब न करता। इंसान खुद गर्ज हो जाता तो नमाज के वक्त तो दुकान पे बैठकर अपने घर वालों के भले के चक्कर में अपना बुरा ना करता। हाँ हाँ कुछ नहीं ले जाना है दुनिया से, कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो सिवाय कफन के, दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे।
आखिर कब्र है, अपने हाथों से दर्जनों मैयतों को दफन करने वालों। कभी ये नहीं सोचा आज मैं किसी को इस कब्र में डाल रहा हूं, कल कोई मुझे भी डालेगा। कितनी दौलत इकट्ठा कर लो, हर कपड़े अपनी पसंद के खरीदे थे, कितने कीमती कीमती खरीदे थे, चार चार छह छह दुकानों में कपड़े हमें पसंद नहीं आते थे, लेकिन जो आखिरी कपड़ा पहनाया जाएगा वो खुद की पसंद का भी नहीं होगा, उसमें कोई जेब नहीं होगी, वो सिला हुआ नहीं होगा, लपेट दिए जाएंगे कफन में। अमल अच्छे हैं तो ठीक है, वरना वो कफन भी आग बनेगा, उस कफन को भी आग की शक्ल दे दी जाएगी, ऊपर मिट्टी मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी मिट्टी। किन के लिए? जिन्होंने खुदा को राजी नहीं किया, और जिन्होंने राजी किया आप तो सुन चुके, उनके लिए तो जन्नत का बिस्तर है। हाय अपना होगा क्या? कुरान कहता मीना खलकनाकुम, इसी मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी से पैदा हुए हैं, मत गुरूर करो अपनी जवानी पर, मत गुरूर करो अपनी दौलत पर, मत घमंड करो अपने इल्म पर, मत घमंड करो अपने खूबसूरत चेहरों पर। मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा के हाथ में एक खूबसूरत मिट्टी का प्याला आया, तो मौला मुश्किल कुशा उस प्याले को देखकर रोने लगे। इस रिवायत को इमाम कुर्तुबी ने लिखा है, खूबसूरत प्याले को, मिट्टी के प्याले को देखकर मौला मुश्किल कुशा रोने लगे। किसी ने कहा अली कितना खूबसूरत प्याला देखकर आप रोते हैं? फरमाते तुम खूबसूरत प्याला देख रहे हो, मैं इस खूबसूरत प्याले में उन खूबसूरत चेहरों की मिट्टी मिली हुई देख रहा हूं, जिनके चेहरे मिट्टी में मिले थे और उस मिट्टी से ये प्याला बनाया गया है। किसी सूफी बुजुर्ग ने फरमाया था कि जमीन से खूबसूरत फूल यूं ही थोड़ी खिलते हैं, जमीन से खूबसूरत फूल यूं ही थोड़ी खिलते हैं, कितने गुलाब से चेहरे जमीन में मिलते हैं तब कहीं जाकर खूबसूरत फूल खिलते हैं। इसीलिए तो खूबसूरती को देखकर लोग मुस्कुराते हैं। ये बुलबुल पागल हुआ है कि ये फूलों को देख के रोता है? ये फूल देखकर क्यों रोता है? हम फूल का हुस्न देखते हैं, बुलबुल फूल में उन खूबसूरत चेहरों की मिट्टी देखता है जो उस मिट्टी में मिल करके फूलों को जन्म देते हैं। सोचो तो सही, अपनी मिट्टी का हाल क्या होगा? अपनी दुनिया की फिक्र करने वालों, अपनी कब्र का, इसी मिट्टी से पैदा किए गए, अकड़ कर जमीन पे चल रहे हैं, दौलत पे इतरा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं समझ रहे, अल्लाह को भूल चुके, रसूलुल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डाल चुके, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंक रहे। आजकल लड़कियों का हुस्न ही सब कुछ हो गया, गाने बाजी सब कुछ हो गए, मस्जिद से दीन से दूरी सब कुछ हो गई। याद रखना मिना खलकनाकुम। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मेरे उस्ताद ने देखा एक जवान बहुत तकब्बुर से, घमंड से जमीन पे इतरा के चल रहा था। आजकल के लड़के बड़े घमंडी तौर पे चलते, एयरपोर्ट पे देखे, स्टेशन पे देखे, वो कुछ अगर उनके बाजू थोड़े से मोटे हो जाए ना, मसल उनके अगर फूल जाए तो उस पर पत्तियां फूल खुदा जाने क्या क्या बनाते, इस पर भी और फिर कमर पर भी, अब तो कमर भी खोल के चल रहे कि देखे कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। उस दौर में कोई बेल बूटा तो नहीं था, लेकिन वो अपने मसल पर, बाजू पर जो है, और अपने मोटे जिस्म पर इतरा के चल रहा था। इमाम गजाली कहते हैं, मेरे उस्ताद ने कहा बेटे अकड़ कर मत चल, अकड़ कर चलना जेब नहीं दे, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की शान है, बंदे के लिए इसकी इजाजत नहीं। लेकिन वो जवान ही क्या जो बात सुन ले, जवान तो अपने आप को दिल होशियार समझते हैं ना, पलट कर का आप नहीं जानते मैं कौन हूं, अपनी इस्लाह करने की बजाय कहते हैं आप नहीं जानते मैं कौन हूं। वो इमाम गजाली के भी उस्ताद थे, पलट कर का बेटे अच्छी तरह जानता हूं तू कौन है, बहुत अच्छी तरह जानता हूं तू का, बताए मैं कौन हूं। फरमाया सुन, तेरी इब्तिदा मनी का नापाक कतरा है, नुक्फा है तेरी इब्तिदा, और तेरी इंतहा कब्र की सड़ी हुई मिट्टी है, यही तेरी हकीकत है। जो नापाक कतरे से पैदा हुआ हो और कब्र में बदबूदार मिट्टी बन जाए, उसे अकड़ कर चलने का हक क्या है? अगर खुदा को राजी न कर सके तो कुत्ते की मिट्टी में और इंसान की मिट्टी में फर्क क्या है? इंसान अगर खुदा को
सजा की बात है, अगर घटे तो सख्त मुश्ते खाक है इंसान। इंसान की हकीकत क्या है, अगर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान, और अगर बढ़े तो उस अते कौनैन में समा न सके। बड़े तो सिर कौनैन की उस अत सिमट आती है उसके वजूद में, इतना बड़ा है, और घट जाए किरदार अच्छा ना, अखलाक अच्छा ना, बोली अच्छी ना। जो माँ बहन की गालियां देते हो, उन्होंने खुदा को कब मनाना है। गरीब नवाज का महीना शुरू हो गया, उर्स के याम शुरू हो गए। सरकार गरीब नवाज अपने मलफूजात में कहते हैं, जिसने किसी मोमिन को गाली दी तौबा से पहले मर गया तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो काफिर होकर ना मरे। उसका ईमान ना कितनी, मोमिनों को तो अपनी जगह है, खुद की बीवी को लोग गाली देते हैं। माँ बहन की गालियां बीवी, और इसी को मर्दानगी समझते हैं। मर्दानगी गाली देने का ना, वो बुजदिल है जो बीवी को गाली देता है, वो बुजदिल है जो बीवी को मारता है। मर्दानगी किससे कहते हैं पता है, जाने मर्दानगी की तरफ देखो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मेरे नबी ने अपनी बीवियों में कभी किसी बीवी को डांटा तक नहीं, किसी को नहीं डांटा, बल्कि उलट हम ये करते थे, खुद ही लड़ते थे, नाराज होके बैठ जाते थे, हुजूर हमें मनाने के लिए तशरीफ लाया करते थे। ये हुजूर का किरदार हम सब भूल गए। तो बात दूर न निकल जाए, अर्ज कर रहा था कि कब्र में कौन कौन किस किस आलम में रहा, और वल्लाह ये सिर्फ इबरत के लिए है और कोई बात नहीं। एक हदीस पाक आपने वही बार बार सुनी है, इसाले सवाब के बाब में, थोड़ा सा उसको दूसरे पैरा है। हदीस का ये मौजजा है, एजाज है हदीस का, कि हदीस को आप जिस एंगल से देखेंगे उसमें से आपको इबरत का वो पहलू निकलता हुआ नजर आए। मैं सोचता हूँ जब गालिब और इकबाल की शायरी में इतनी मानवीयत है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का कमाल की मानवियत का आलम क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में जबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान है। गाफिल होकर बैठे, गीबत कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, हराम खा रहे हैं, रियाकारी के तौर पे नमाजें पढ़ लोग, पहले तो पढ़ते नहीं, पढ़ते तो दिखावे के लिए पढ़ते, अल्लाह माशाल्लाह। गुसल भी सही नहीं है, वुजू भी सही नहीं है,